डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और रोमांचक भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आर्थर है और मैं लंदन शहर में रहता हूँ। मेरी उम्र 15 साल है और मैं अपनी घटना पहले भी आपको बता चुका हूँ। मैं अपने दोस्त थॉमस को ढूंढ रहा था और मेरे साथ सेलिना भी थी। हम लंदन की गलियों में घूम घूम कर थॉमस को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। उसके पास एक डायरी हुआ करती थी जो वो यहीं पर छोड़ गया था, और उसी को डीकोड करके हमने पता लगाया कि एक गली के अंत में इशारा किया गया है, उसका मैप बनाया गया है और वहाँ पर 2 छड़ियाँ लगाने के बाद वो दरवाज़ा किसी और दुनिया में खुलता था। हम उस दरवाजे के पार पहुँचाए और हमें यहाँ पर पता चला ये इलाका तो लंदन के बीच है, लेकिन किसी ने इसे शायद देखा नहीं होगा। यहाँ पर लोग भी अलग थे, ये सड़कें भी अलग थीं। कभी भी इन सड़कों को मैंने नहीं देखा था। ये पुरानी दुकानें, ये पुरानी सड़कें और ये पुरानी इमारतें देखकर हम डरे हुए थे, और दूर हमें थॉमस जाता हुआ नजर आया था। हम भी उसके पीछे गए और थॉमस ने हमें पहचान लिया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर गया था। हमें लेकर वो ऐसी बिल्डिंग में पहुँचा जो कुछ ही मंजिला थी और छोटी सी थी, लेकिन जब लिफ्ट से हम बाहर निकले तो बहुत बड़े ग्राउंड में पहुंच चुके थे। और अब उसके आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। थॉमस का घबराया हुआ चेहरा देखकर मैं भी डरा हुआ था और सेलिना भी सोच रही थी आखिर ये कैसी जगह है। थॉमस ने बताया था कि अंतरिक्ष को अलग तरह से भी खोला जा सकता है, छोटी जगह में भी बड़ी जगह समाई होती है और इस आयाम को हम समझ नहीं पाते। ये जगह भी लंदन के बीच है और यहाँ से अगर हम सफ़र करेंगे तो अपनी दुनिया का सफ़र नहीं बल्कि इस अंतरिक्ष का सफ़र करेंगे। हमारी धरती छोटे हिस्सों में भी बंटी हुई है जिनमें बहुत जगह समाई हुई है, जिस तरह से इस छोटी सी बिल्डिंग के हर फ्लोर में बहुत बड़े बड़े इलाके समाए हुए हैं। हम 3रे फ्लोर पर थे और ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड था। इतना बड़ा ग्राउंड एक छोटी सी बिल्डिंग में समा नहीं सकता। इसे ही फैला हुआ अंतरिक्ष कहा जाता है जो छोटे हिस्सों में समाया होता है। थॉमस हमें समझा रहा था कि हमने गलती कर दी है इस जगह पर आकर। इसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है और जिनको होती है वो आम इंसानों को इनकी जानकारी नहीं बताता। यहाँ पर अलग ही दुनिया बसती है, यहाँ की स्टडी अलग होती है, यहाँ का जीवन अलग होता है। हम उससे कह रहे थे कि हम उसे लिए बिना वापस नहीं जाने वाले, और थॉमस बार बार ये जिद कर रहा था कि वो वहाँ नहीं आ सकता और हमें उस दुनिया में जाना होगा। हम मान नहीं रहे थे और हमारी जिद को वो भी समझता था। हम उससे कितना प्यार करते थे और उसे वहाँ से ले जाना ही चाहते थे। थॉमस मान नहीं रहा था। उसने कहा था कि उसकी यहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और जो भी इस दुनिया का होता है वो उस दुनिया में तो जा सकता है, लेकिन उस दुनिया के लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो? तुम्हें परमिशन लेनी चाहिए थी और आसानी से वो परमिशन नहीं मिलती। तुम तो गलती से यहाँ पर पहुँच आए हो। तुमने कैसे डिकोड कर लिया उस डायरी को? इंसान उसे डिकोड नहीं कर पाते। इस ग्राउंड में हम बैठे ज़रूर थे, लेकिन थॉमस की नज़र आसपास के लोगों की तरफ थी। वो लोग जैसे ही हमारे करीब से निकलते, थॉमस कह देता आंखें नीचे कर लो, कोई पहचान ना पाए। वो बार बार ऐसा करता और हम भी उसकी बात मानते, क्योंकि हमें इस दुनिया के बारे में पता नहीं था। यहाँ पर कैसे खतरे हैं और हमें किस तरह नुकसान हो सकता है हम नहीं जानते थे। काफ़ी देर तक सोचने के बाद थॉमस ने कहा कि हमें पास के जंगल में जाना होगा, वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत है। अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा और हमेशा के लिए तुम इस दुनिया में कैद हो सकते हो। मेरी बात पूरी तरह से समझ लेना, किसी को अपनी सच्चाई मत बताना। अगर कोई सवाल करे भी बस मुँह बंद रखना। उन्हें ऐसा जताना जैसे तुम कुछ भूल गए हो। बस कुछ बोलना मत और दूसरी दुनिया की बात यहाँ पर मत करना।
इतना कहने के बाद हम फिर से लिफ्ट में बैठे और नीचे आ गए। यहाँ बाहर आकर हमें कम डर लग रहा था क्योंकि हमारे साथ थॉमस था, लेकिन थॉमस घबराया हुआ था। उसकी चाल काफ़ी कमज़ोर सी थी, जैसे वो डरा हुआ हो। काफ़ी गलियाँ घुमाने के बाद वो हमें अलग जगह पर ले गया था और आगे की सड़क खाली थी। ना तो यहाँ पर कोई गाड़ी चल रही थी और ना ही कोई आदमी दिख रहा था। हम आगे बढ़ते गए और हमें नज़र आए उड़ते हुए लोग जिनके पैर नहीं थे। वो काले से कपड़े पहने हवा में से निकल रहे थे, लेकिन थॉमस उनको देखकर डर नहीं रहा था, जबकि हमारी तो हालत पतली हो चुकी थी। ये भूतों की तरह थे जो हवा में उड़कर हमारे पास से निकल जाते। ऐसे ही भूतों की तो कहानी सुनाई जाती है, और हमें भी इसका जवाब चाहिए था। तो मैंने पूछा, थॉमस ये क्या थे? क्या ये शैतान थे? तो थॉमस ने कहा, नहीं, ये इस दुनिया के जीव हैं जो यहाँ पर जीते हैं। तुम्हें थोड़ी थोड़ी बातें ही बता सकता हूँ, ज़्यादा जानने की कोशिश मत करना। बस यही यहाँ पर रहते हैं और इसका प्रतिबिंब कभी कभी तुम्हारी दुनिया में नज़र आता है। ये दुनिया बिल्कुल उसी के बीच में है, और कभी कभी जब इसका प्रतिबिंब दूसरी दुनिया में नज़र आ जाता है तो लोगों को दिखता है और लोग डर जाते हैं। अचानक ये प्रतिबिंब गायब हो जाता है और लोगों को लगता है यहाँ पर तो कोई भूत था जो गायब हो गया। इसी तरह से इस दुनिया ने तुम्हारी दुनिया को डरा रखा है। मैं यहीं पर जन्मा हूँ, लेकिन मैं 5 साल के लिए वहाँ पढ़ने के लिए गया हुआ था। मैंने परमिशन ली थी कि मैं वहाँ से पढ़ाई कर सकूँ, उस दुनिया के बारे में जान सकूँ। मैंने दोस्त बनाए, ये मेरी गलती थी, और मैं एक डायरी पर लिखता, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हमें बताया जाता है लिखना कभी नहीं है, कुछ भी किसी को बताना नहीं है, नोट नहीं करना है। उस दुनिया में किसी को इसकी जानकारी पता नहीं होने देनी है। हम उस सड़क से काफ़ी आगे निकल आए थे और ये घना जंगल शुरू हो चुका था। ये शहर के इतने करीब इतना बड़ा घना जंगल है, हमें पता ही नहीं था, लेकिन ये इस दुनिया में है, इसीलिए शायद हम इसे कभी देख ही नहीं पाए। वो घना जंगल ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भरा हुआ था, जिसके पत्ते हिल रहे थे, इंसानी हाथ जैसे पत्ते थे उसके। वो बार बार नीचे की तरफ इशारा करते, और उसे देखकर थॉमस मुस्कुरा रहा था, जबकि हम डर रहे थे। थॉमस ने कहा, ये यहाँ के पेड़ हैं, ये भी जिंदा होते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं, ये तुम्हें हेलो कह रहे हैं, इसलिए डरना मत, लेकिन इनके करीब मत जाना, ये थोड़े डरपोक जरूर होते हैं। इतना सुनने के बाद हम पेड़ों से थोड़ा सा दूर ही रह रहे थे, और उसके करीब से निकलते हमें थोड़ा सा डर भी लगता। उसकी टहनियाँ थोड़ा थोड़ा नीचे को आती, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुँचाती, जबकि ज़मीन पर वो घास सुनहरी रंग का था, जैसे सोने से बना हुआ घास हमारे पैरों के नीचे जब कुचल होता तो उससे अलग सी आवाज़ आती। ऐसी आवाज़ सूखे हुए पत्तों से आती है, जबकि वो सुनहरी रंग का सख्त घास लग रहा था, जैसे सोने से बनाया गया हो और तराशा गया हो। हम अब जंगल में काफ़ी आगे तक आ गए थे, तो सेलिना ने थॉमस से पूछा, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? तो थॉमस ने कहा कि मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। भीड़ में मुझे पहले ही डर लग रहा था, तो दिमाग चल नहीं रहा था, और यहाँ पर लोगों की संख्या कम है, जंगल में कोई नहीं आता, इसीलिए मैं यहाँ पर सोच सकता हूँ कि हमें करना क्या है, मुझे कुछ दिमाग लगाना होगा। मैंने थॉमस से पूछा, आखिर किस चीज़ के बारे में सोचना होगा? बस हमें किसी दरवाजे के पास ले जाओ, हम दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। लेकिन थॉमस कह रहा था, इतना आसान नहीं है, तुम्हें दूसरी दुनिया में ले जाना इतना आसान नहीं है, और इस जानकारी को तुम वादा करो किसी को बताओगे नहीं, क्योंकि अगर तुमने किसी को बता दिया तो मुझे यहाँ पर सज़ा मिलेगी, वो पता कर लेंगे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकली है और मैं पकड़ा जाऊँगा, और उस दरवाजे को ढूंढना इतना भी आसान नहीं होता जितना तुम समझ रहे हो। जब भी तुम्हारी दुनिया से कोई यहाँ पर आता है तो किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि किसी का इससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इस दुनिया से जब कोई वहाँ पर जाता है तो बता कर जाना पड़ता है, और सबको पता चल जाता है, तब बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। मुझे यही सोचने का समय चाहिए कि कैसे तुम्हें उस दुनिया में लेकर जाऊँ और नुकसान भी ना हो। हर दरवाजे की रक्षा एक पिशाच करता है, और वो सफ़ेद पिशाच होता है। वो हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन अपना काम वफादारी से करते हैं। वो कभी किसी को इस दुनिया से उस दुनिया में आसानी से जाने नहीं देते, और उनको बहकाया नहीं जा सकता। बस
हमें किसी तरह से उस दरवाजे तक पहुंचना है। यहां दरवाजे भरे पड़े हैं, किन्हीं पेड़ों के पीछे किसी भी घर के आसपास वो दरवाजा तुम्हें नजर आएगा। हमें किस दरवाजे का इस्तेमाल करना है हमें वो सोचना होगा। इसके बाद थॉमस ने कहा, मेरी डायरी, तुम मेरी डायरी तो लाए हो ना, मुझे वो जरूर चाहिए, वो बस एक सबूत होगा। अगर वो मेरे पास आ जाए तो मेरे लिए परेशानी नहीं होगी, क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा तुमने कैसे जाना है। वो डायरी कहाँ है? मैंने कहा, हमने वो डायरी वहीं पर छोड़ दी थी, क्योंकि हमें थोड़ा सा डर था और हम उन छड़ियों को लेकर यहाँ पर आए थे। ये सुनकर थॉमस जैसे मायूस सा हो गया था, लेकिन उसके बाद जैसे उसको कोई आइडिया आया, उसने कहा, तो चलो जहां पर वो है हम वहां पर निकलते हैं, उस डायरी को लेकर आते हैं। उसके बाद सेलिना ने कहा, हाँ डायरी तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें यहां वापस नहीं आने देंगे, तुम हमें छोड़कर यहां नहीं आ सकते, तुम्हें हमारे पास रहना होगा। तो थॉमस कह रहा था, नहीं मुझे यहां पर स्टडी करनी है, मैं कुछ चीजें तुम्हें नहीं बता सकता, समझने की कोशिश करो, मुझे बस वो डायरी चाहिए, मुझे वो डायरी यहां पर लानी है, मैंने अपना बैग खोलकर देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा सामान वहां गिर गया होगा। अगर मुझे पहले पता चल जाता मेरी डायरी गिर गई है तो मैं यहां नहीं आता उस डायरी को लिए बिना। तब हमें आसपास कुछ कीड़े नजर आना शुरू हो गए। ये छोटे छोटे कीड़े थे जो मकड़ियों जैसे लग रहे थे, लेकिन ये चांदी की तरह चमक रहे थे। तभी मैंने थॉमस को थोड़ा घबराए हुए देखा और उसने कहा, जल्दी चलना होगा, हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, मुझे लगता है इन्हें शक होने लगा है। हम आगे की तरफ बढ़ने लगे थे और मैं उससे ये सवाल कर रहा था, आखिर ये जीव कैसे हैं, ये चांदी की मकड़ियाँ हमारे पीछे पीछे क्यों आ रही हैं और इनकी संख्या बढ़ क्यों रही है, क्या ये खतरनाक हैं? तो थॉमस ने कहा, तुम्हें नहीं पता, ये छोटी छोटी मकड़ियाँ नहीं हैं, यहाँ पर ये भी इंसान हैं जिन्होंने अपने हिस्सों को छोटा छोटा काटकर नीचे फैलाया हुआ है, ये हिस्से जब जुड़ेंगे तो एक इंसान बन जाएंगे, बस कोई जानकारी इन्हें मत देना, ये सब जानकारी जुटा रहे हैं, जब ये जुड़ेगा इंसान बन जाएगा। मुझे लगता है ये जंगल का पहरेदार है और इसे हम पर शक होने लगा है, जल्दी से आगे बढ़ो, हमें इनसे आगे निकलना होगा। वो चांदी की मकड़ियां जैसे आगे बढ़ती तो उनसे आवाज आती जैसे कुछ कंकड़ आपस में टकरा रहे हों। वो आवाज आसपास बढ़ती जा रही थी और हमारे कदम भी तेज होते जा रहे थे। वो मकड़ियों की संख्या काफी ज्यादा हो चुकी थी और थॉमस इसीलिए परेशान था कि ये कोई एक पहरेदार नहीं लगता, एक पहरेदार के इतने ज्यादा हिस्से नहीं होते, ये एक से ज्यादा लग रहे हैं, हमें उस नदी के पास पहुंचना चाहिए। हम अब भागने लगे थे, थॉमस आगे आगे भाग रहा था और हम उसके पीछे थे। हमें तो सांस चढ़ रही थी लेकिन थॉमस बिल्कुल भी हांफ नहीं रहा था। उस नदी तक पहुंचने में हमारी हालत पतली हो गई और वो मकड़ियों की भागने की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज थी, वो पेड़ों के ऊपर चढ़ते और आगे को छलांगे लगाते हुए आ जाते। नदी काफ़ी गहरी थी और हम डर चुके थे कि इसे हम पार कैसे करेंगे, लेकिन तभी थॉमस ने एक रस्सी पानी से निकाली जो इस तरफ भी बंधी हुई थी और उस तरफ भी बंधी हुई थी। उसने उसे तेजी से खींच दिया और एक जगह पर बांध दिया, वो कस चुकी थी, लेकिन तभी वो रस्सी का आकार मोटा होता गया, वो काफ़ी ज़्यादा मोटी हो चुकी थी और हम उस पर चल सकते थे और नदी को पार कर सकते थे। वो धीरे धीरे आकार बदल रही थी और हम भागते हुए उस रस्सी से दूसरी तरफ पहुँच गए, लेकिन वो मकड़ियाँ भी उस रस्सी पर चढ़ चुकी थी। थॉमस ने चालाकी दिखाते हुए इस तरफ से जैसे रस्सी दोबारा पानी में छोड़ दी, वो मकड़ियाँ जैसे ही पानी को छूने लगी वो जैसे पिघलना शुरू हो गई और वापस मिट्टी में पहुँच गईं, और वहाँ पर वो मकड़ियाँ आपस में जुड़ना शुरू हो गई थी और आकार लेना शुरू हो गई थी। वो जैसे ही आकार ले रही थी थॉमस कहने लगा, जल्दी जल्दी निकलो, ये आकार ले रही है और इंसानी रूप लेने के बाद ये हमें पहचान सकते हैं, जल्दी करो। हम काफ़ी दूर निकल आए थे और वो चांदी की तरह चमकने वाली मकड़ियाँ जैसे दो आकार ले चुकी थी। वहाँ हमें चार टांगे नजर आ रही थी, यानी दो इंसान थे वो। हमें उसे देखकर डर तो लग रहा था लेकिन हम घने पेड़ों के पीछे से निकलते हुए जैसे वहाँ से गायब हो चुके थे, वो हमें देख नहीं पाए होंगे और नदी को पार करना उनके लिए मुश्किल भरा होगा। यहाँ आकर हम डरे हुए थे और थॉमस से सवाल कर रहे थे, आखिर ये कैसे इंसान हैं जो खुद को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हैं?
थॉमस इसका भी जवाब नहीं दे रहा था। वो बस कह रहा था, तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तुम जितना कम जानोगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। मुझे मजबूर मत करो, प्लीज़ कुछ पूछो मत, बस जैसा जैसा मैं कहता हूँ उतना जानो, वो करो और आगे की तरफ बढ़ते जाओ। तुम्हें जिंदा रहना है तो जो मैं कहता हूँ वैसा करना होगा। हम अब इस जंगल में पहुँच आए थे जहाँ पर पेड़ों का आकार इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ पर धुआं इतना ज़्यादा था कि एक पेड़ के आगे ज़्यादा कुछ देखा नहीं जा पा रहा था। वहाँ आगे बढ़ते हुए जैसे ही झाड़ियाँ आती वो हमसे टकराती, लेकिन हमें पहले उसका पता ही नहीं चलता। जैसे उस धुएं से निकल निकल कर चीज़ें हमारे सामने आ रही थी और हम उसे पहचान तक नहीं पाते। आसपास से भी कई आवाज़ें आ रही थी और जैसे ही आवाज़ आती थॉमस हमसे कहता, चुप हो जाओ, रुक जाओ। वो रुकने को कहता और हमारे कदम वहीं पर थम जाते। थोड़ी देर बाद वो चलने को कहता और हम उस धुएं को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगते। लेकिन अचानक ही एक पेड़ को जैसे ही हमने पार किया, उस धुएं की चादर से आगे रेगिस्तान शुरू हो गया। यहाँ लंदन शहर के इतने पास इतना बड़ा रेगिस्तानी इलाका था, लेकिन धुएं के कारण ज़्यादा दूर देखा नहीं जा रहा था। कुछ धुआं छटा था, इसीलिए हम 10 से 20 फुट दूर तक देख जरूर पा रहे थे, लेकिन ज़्यादा दूरी तक देखा नहीं जा पा रहा था। यहाँ रेत में चलना मुश्किल था, रेत गर्म नज़र आ रही थी। इस धुएं में धूप बिल्कुल नहीं पड़ रही थी, लेकिन रेत फिर भी गर्म थी। अचानक ही वो रेगिस्तान भी खत्म हुआ और फिर से जंगल शुरू हो गया। उस जंगल में आगे एक दरवाज़ा नज़र आ रहा था, जिसे देखकर थॉमस बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने कहा, हमें इस दरवाज़े के पीछे जाना होगा और ध्यान रखना, वो दुनिया भी यही दुनिया है, तुम्हारी दुनिया जैसी लगेगी, लेकिन घबराना नहीं। हमें वहाँ पर थॉमस पर थोड़ा शक होना शुरू हो गया। वो जब भी झूठ बोलता है तो उसकी आँखें जैसे फड़फड़ाने लगती हैं, वो तेज़ी से चलने लगती हैं और यही एहसास हो रहा था ये शब्द उसके झूठ हैं, और हमें थोड़ा सा डर लगने लगा था। भले ही हमें अपने दोस्त पर भरोसा था, लेकिन आज हम जो जो देख रहे थे वो देखा नहीं जा सकता था। हर चीज़ भ्रम जैसी लग रही थी, और उस दरवाज़े के पास पहुँचते ही थॉमस थोड़ा सा घबराया हुआ था। उसने कहा, इसके आगे हम तुम्हारे घर के अंदर निकलेंगे, वहाँ पर तुमने कहा था डायरी वहाँ पर है, हम डायरी लेकर वापस आ जाएंगे और जैसा मैं कहूँगा वैसा करने की कोशिश करना। उसने उस दरवाज़े को खोला और सच में हम अपने घर में पहुँच आए थे। मुझे ये अपने घर जैसा लग रहा था और मैंने थॉमस को एक सवाल दागा। मैंने कहा, सच में ये वही दुनिया है या हमारी दुनिया है जहाँ पर हम रहते हैं? थॉमस की फड़कती हुई आँखें ये बयां कर रही थी, ये हमारी दुनिया है। उस खिड़की से पर्दा हटाकर मैंने उस अंधेरे में देखने की कोशिश की, बाहर कोई नहीं था, लेकिन दूर खड़ी वो गाड़ी के अंदर हमारा पड़ोसी बैठा हुआ था। मैं उसे पहचानता था, सच में ये हमारी दुनिया है। थॉमस ने जल्दी से वो डायरी उठाई और वो कहने लगा, यहाँ से हमें निकलना होगा, मैं जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। लेकिन मैंने थॉमस को पकड़ लिया था। मैंने थॉमस को कहा, नहीं, ये हमारी दुनिया है, तुम्हें यहाँ पर रुकना चाहिए, तुम यहाँ पर रुको, तुम्हें उस दुनिया में नहीं जाने देंगे। लेकिन थॉमस उस दरवाजे को खोलने को आतुर था और हमें वो पीछे को धकेल रहा था। उसने कहा, तुम्हें यहाँ रुकना है तो तुम रुक सकते हो। मैंने थॉमस को कहा, सच बता दो, ये कौन सी दुनिया है? तो थॉमस भी थोड़ा सा घबरा कर बताने लगा, हाँ ये तुम्हारी दुनिया है, इस दरवाजे के पीछे तुम्हारी दुनिया थी और मुझे बस ये डायरी चाहिए, ये सबूत है, मैं इसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकता, यहाँ से मुझे जाना होगा। लेकिन सेलिना ने भी थॉमस को पकड़ रखा था। थॉमस काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था, वो दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो रहा था। थॉमस ने कहा, मुझे जाना होगा। उसके बाद बाहर जैसे काली सी परछाई घूमना शुरू हो गई, वो घर के आसपास घूम रही थी। थॉमस ने उसे देखा तक नहीं और कहने लगा, यहाँ से निकलना होगा वरना वो परछाई हमें पकड़ लेगी, अगर उसने हमें कैद कर लिया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमें सफ़ेद पिशाच उस जंगल के दरवाजे में नहीं मिला, लेकिन ये परछाई उस सफ़ेद पिशाच तक ले ज़रूर जाएगी और वो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला। जल्दी करो, यहाँ से निकलना होगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करो। हम उसकी बात पर यकीन करना चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे थे मैं कुछ देख नहीं पाया और उसके साथ ही उस दरवाजे के अंदर पहुँच गया।
हम दोबारा उसी जंगल में थे, अपनी दुनिया से हम वापिस आ चुके थे और यहाँ पर शांति थी। उसने थोड़ी सांस ली और मेरी तरफ घूर कर देखने लगा। उसने कहा, मुझे कभी ऐसे रोकने की कोशिश मत करना। उसके हाथ में डायरी थी और उसने कहा कि मैं तुम्हें अगले दरवाजे तक लेकर जाता हूँ जहाँ पर कोई सफ़ेद पिशाच नहीं मिलेगा, कोई काली परछाई नहीं मिलेगी। तुम अपनी दुनिया में पहुँच जाना, मैं वहाँ पर नहीं आ सकता। लेकिन सेलिना बार बार कह रही थी कि उसे उस दुनिया में लेकर ही जाएंगे, यहाँ छोड़कर नहीं जाने वाले हम। थॉमस का चेहरा थोड़ा सा मायूस था, लेकिन तभी वहाँ पर काले साए दिखना शुरू हो गए। वो उस दरवाजे के आसपास मंडरा रहे थे और थॉमस भागना शुरू हो गया था। उसने आवाज़ लगाई, मेरे पीछे भागो। उस धुएं में वो ज़्यादा आगे निकल जाता तो शायद गायब हो जाता। हम भी उसके पीछे ही रहे और उस दरवाजे से काफ़ी दूर निकल आए। यहाँ पर दलदली इलाका था और काफ़ी ज़्यादा जड़ें ज़मीन से बाहर आ चुकी थी। यहाँ पार करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन आसपास वो काले साए नज़र आते और थॉमस हमें जैसे पीछे की तरफ खींच लेता। हमें उन सायों से बचना था और थॉमस कह रहा था, उन्हें हम पर शक हो गया है, अब जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करते जाना। उस जंगल से आगे हमें दूर पहाड़ी पर एक घर नजर आ रहा था और वहाँ पास में एक पगडंडी बनी हुई थी। धुआं छट चुका था और उस घर को देखना आसान हो गया था। जब हम पीछे की तरफ देखते, जैसे कुछ फुट की दूरी पर ही वो घना नजर आ रहा हो और वहीं पर साथ में वो धुआं सा नजर आ रहा था। हम उस पगडंडी पर ऊपर की तरफ चढ़ने लगे और दूर से वो घर आलीशान नजर आ रहा था। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जमीन पर रखी वो ईंटें जैसे उसमें दबाई गई थी, लेकिन वो मिट्टी से कुछ अलग लग रही थी। मिट्टी भी यहाँ काले रंग की थी और थोड़ी थोड़ी चमक रही थी, इसीलिए उस पर पैर रखना काफ़ी अजीब सा एहसास दे रहा था। वो पगडंडी भी घुमावदार थी, जिसके आसपास छोटे छोटे पेड़ लगे हुए थे जैसे 2 फुट के। वो देखने में तो 2 फुट के थे, लेकिन उनका आकार पूरा बढ़ चुका लग रहा था और पत्ते इतने ज़्यादा बारीक, मैंने ऐसा पेड़ जिंदगी में नहीं देखा था। वहाँ वो पेड़ थोड़ा थोड़ा हिल भी रहे थे, जो हमें काफ़ी डरा रहे थे। अंधेरे में ऐसा डर लगना जायज़ था, लेकिन कुछ पेड़ों पर ऐसे फल लगे हुए थे जो चमक रहे थे, वो तो जैसे बल्ब लगे हुए हों, और उसी से इस पगडंडी पर रोशनी हुई थी जो बहुत ही लुभावना एहसास दे रही थी। हमारे कदम उस घर की तरफ जा रहे थे और रास्ते में ऐसे लुभावने दृश्य हमें उसकी तरफ खींच रहे थे। और थॉमस कह रहा था, किसी चीज़ को हाथ मत लगाना, यहाँ हाथ लगाने की गलती मत कर देना, किसी को शक हो सकता है। उस पगडंडी पर चलने में हमें काफ़ी समय लग गया और हम उस घर तक पहुँच आए थे, लेकिन उस घर का दरवाज़ा हमने छुआ तक नहीं, वो अपने आप खुल गया था। वो दरवाज़ा खुला और उसके अंदर का नज़ारा देखने लायक था। इस घर के अंदर हर चीज़ एंटीक थी, लेकिन सबसे अजीब सी चीज़ थी वो टेबल और कुर्सियाँ। वहाँ कुर्सियाँ सीधा होकर चल रही थी और वो टेबल भी एक तरफ खड़ा हुआ था। जैसे ही वो दूसरी तरफ मुड़ा, हम डर से गए। यहाँ लकड़ी की चीज़ें भी चल रही थी, इसने हमें डरा दिया था। और थॉमस ने कहा, जल्दी अंदर आओ, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम उस दरवाजे को बंद करके वहाँ अंदर पहुँच गए थे। हर चीज़ हिल रही थी जैसे उसमें जान हो, हर चीज़ में ज़िंदगी का एहसास हो रहा था और आसपास पड़ी वो किताबें अपने आप खुलती और बंद हो जाती। वो सामने रखी मोमबत्ती से नीले रंग की रोशनी निकल रही थी और वो ऊपर से नहीं बल्कि पूरी मोमबत्ती से निकल रही थी, जैसे उसके अंदर से आग लगी हुई हो। वहाँ अंदर पहुँचने के बाद थॉमस ने हमें एक किताब से फाड़ कर एक एक पन्ना हाथ में पकड़ा दिया। ये पन्ना बिल्कुल खाली था और उसके बाद उसने भी एक पन्ना फाड़ा और उसे खाने लगा। हम दोनों उसे देखकर हैरान थे। थॉमस धीरे धीरे उस पूरे पन्ने को खा चुका था और उसने उसके बाद पानी पी लिया। हम समझ नहीं पा रहे थे उसने आखिर कागज़ को क्यों खाया, जबकि हमें भी भूख लगी हुई थी, हम कागज़ को नहीं खा सकते। थॉमस ने इशारा किया, कोशिश तो करो फिर तुम समझ जाओगे। मैंने पहले उस पन्ने के छोटे से हिस्से को खाया और उसमें एक अलग सा स्वाद था। वो पन्ना मुंह में घुल रहा था और पेट बड़ी जल्दी भर रहा था।
उसमें से फलों का स्वाद भी आ रहा था और सब्जियों का स्वाद भी आ रहा था। बड़ा ही स्वादिष्ट पन्ना था और ये कागज नहीं था, मुंह में घुलते ही जैसे फूल सा जाता और जैसे कई फलों का हिस्सा बन जाता। अब मैं भी बड़े बड़े हिस्से खाने लगा था और मेरा पेट उस पूरे पन्ने को खाने के बाद भर चुका था और पेट इस तरह से भरा था जैसे मैंने बहुत सारी फल सब्जियां ब्रेड खाई हो। तब मुझे एहसास हुआ यहाँ हर चीज़ अलग है और ये पन्ने जैसे फल सब्जियों का हिस्सा जिन्हें छोटा बना दिया गया हो। यहाँ पर हर चीज़ में जैसे जादू छिपा हुआ था। सेलिना ने भी उस पन्ने को तो खा लिया था लेकिन उसके मुंह से एक शब्द निकला। उसने कहा, क्या ये दुनिया भी कोई जादूगरों की दुनिया है? मैंने फिल्में देखी हैं जैसे हैरी पॉटर की दुनिया, क्या ये दुनिया वैसी है? थॉमस के चेहरे पर मुस्कान सी आ गई थी। उसने कहा, तुम्हें लगता है ये वैसी दुनिया है? ये दुनिया उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है और तुम समझ नहीं पाओगे। तुम्हें क्या लगता है ये दुनिया सिर्फ धरती तक सीमित है जैसे तुम्हारी दुनिया सीमित है धरती तक, या तुम्हारी फिल्मों में वो धरती को सीमित रखते हैं वहीं पर, दूसरे ग्रहों पर हम जा नहीं सकते? ये दुनिया लाखों साल पुरानी है, तुम्हारी दुनिया तो कुछ हजार साल पुरानी है, और तुम्हारी जो किंवदंतियां हैं, जो देवता धरती पर आए, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दुनिया में देवता धरती पर आए थे? जो अलग अलग शक्तियां रखने वाले देवता भगवान, वो किस दुनिया में आते हैं? तुम्हारी दुनिया में कोई सबूत नहीं मिलता क्योंकि वो वहां नहीं यहां आते हैं। ये असली दुनिया है और तुम्हारी तो वो छोटा सा भाग है जिसे तुम बहुत विशाल समझते हो, तुम उसके छोटे से हिस्से हो। तुम तो कुछ हजार किलोमीटर आगे बढ़ते हो तो नया देश शुरू हो जाता है, यहाँ हजारों किलोमीटर का तो शहर होता है और उससे आगे बढ़ने की रफ्तार भी अलग है। ये दुनिया ज़्यादा विशाल है, हम दूसरे ग्रहों तक जा सकते हैं, तुम्हारी दुनिया में ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं जैसे ही और ज़्यादा उत्सुक हो रहा था, थॉमस ने अपने सर पर हाथ रखा और कहा, नहीं नहीं, मुझे ये नहीं बताना था। तुम मुझसे सवाल मत करो, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाओ। तुम मुझसे सवाल कर रहे हो और मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो नहीं बतानी चाहिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, सवाल मत पूछो, क्यों मुझे मरवाना चाहते हो? वहाँ कुछ देर बातें करने के बाद वो हमें ऊपर वाले फ्लोर पर ले गया। वहाँ दरवाज़ा लगा हुआ था जिस पर कई सारे कुंडे बने हुए थे। उसने हर एक कुंडे को खोला और कहा, देखो यहाँ से इसके आगे तुम्हारी दुनिया शुरू होगी, हम वहाँ पर जाने वाले हैं, ध्यान रखना। लेकिन आखिरी कुंडे को हाथ लगाने से पहले वहाँ पर सफ़ेद रंग का साया नजर आना शुरू हो गया, जिसे देखकर थॉमस बहुत ज़्यादा डर गया। उसने अपने कदम पीछे हटा लिए और डर के मारे वो हमारे करीब पहुँच गया था। उस सफ़ेद से साए को एक आकार लेते हुए देखा हमने, वो जैसे चमकदार काले रंग की आंखें और बड़े बड़े दांत जो चांदी के लग रहे थे, चमक रहे थे, वो ऐसा आकार लेकर हमारे सामने खड़ा हो गया। ये इंसानी आकार था जिसने एक सफ़ेद रंग का कोट पहना हुआ था और उसका शरीर चमक रहा था जैसा कहानियों में देवताओं के शरीर चमक रहे होते हैं। लेकिन थॉमस ने कहा था, ये पिशाच है, सफ़ेद पिशाच जो दरवाज़ों की रक्षा करता है। तभी थॉमस एक तरफ भाग कर गया और उसने वो मशाल उठा ली जो एक तरफ लगी हुई थी। उसमें बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी और उसने उस मशाल को इस तरह से गोल गोल घुमाया कि उसकी आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मुझे नहीं पता वो ऐसा कैसे कर पाया, लेकिन वो मशाल उठाकर उसने उस पिशाच की तरफ फेंकी और पास में उस छोटी सी कुर्सी को आग लग गई जो हिल रही थी। उसके बाद वो कुर्सी इधर उधर भागने लगी जैसे किसी इंसान को आग लगी हो और वो इधर उधर भाग रहा हो। वो कुर्सी घर के कई हिस्सों को आग लगाती जा रही थी और उस आग से डरते हुए उस पिशाच को देखा हमने। उसके कदम आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन आग को पार नहीं कर पा रहे थे। एक तरफ से छोटा सा रास्ता था जहाँ से घूमकर उस पिशाच को हमारी तरफ आना था और हमें थॉमस ने इशारा किया उंगली से कि दूसरी तरफ निकलो। वो छोटे से हिस्से को बता रहा था जहाँ से हम निकल सकते थे। उसने कहा, हम आग को फांद सकते हैं, ये नहीं फांद सकता। हमने उस आग को फांदने के बारे में सोचा लेकिन सेलिना ने फिर से थॉमस का हाथ पकड़ लिया और उसने कहा, जल्दी तुम भी हमारे साथ आओ।
थॉमस उसे हाथ तो छुड़ाना चाहता था, लेकिन सेलिना बार बार उसका हाथ खींचती जा रही थी। थॉमस भी हमारे साथ ही उस आग को पार कर गया था और हम उस आग को पार करके उस दरवाजे तक पहुंच आए थे। थॉमस कह रहा था, जल्दी से इस दरवाजे को खोलो, तुम अपनी दुनिया में पहुंच सकते हो, यही रास्ता है। अगर सफ़ेद पिशाच ने किसी को पकड़ लिया तो इसकी पकड़ से कोई छूटता नहीं। मैं उस दरवाजे को खोलना तो चाहता था, लेकिन थॉमस को वहां पर छोड़ना नहीं चाहता था। मैं जल्दी से उस दरवाजे को खोल तो पाया, लेकिन उसके अंदर पैर नहीं रख रहा था। मैंने थॉमस को खींचना चाहा, वो अपना हाथ छुड़ा रहा था। मैं उसको फिर भी खींच रहा था। मेरा एक कदम उस दरवाजे के दूसरी तरफ पड़ रहा था। दरवाजे के पार कोई घर नहीं था, बल्कि लंदन की एक सड़क थी जो अंधेरी थी। मैं उसे पहचान गया था। ये कौन सी सड़क थी? ये उस छोटी सी दुकान के पास वाली सड़क है जहां पर हम कई बार जा चुके हैं। लेकिन वहां थॉमस पीछे हट रहा था और सेलिना भी उसे खींच रही थी। तभी उस सफ़ेद पिशाच ने आग को पार करते हुए थॉमस को पकड़ लिया और वो पूरी तरह से उसे जकड़ चुका था और उसमें समा रहा था। थॉमस वहाँ खड़ा हमें इशारा कर रहा था, तुम्हें जाना होगा। सेलिना उसका हाथ नहीं छोड़ रही थी, जैसे उस पिशाच से वो खींचने की कोशिश कर रही हो। थॉमस की आंखों में आंसू आ गए थे और वो कहने लगा, अब कुछ नहीं हो सकता, रुको मत, तुम क्यों मरना चाहते हो? अगर इसने तुम्हें जकड़ा तो ये छोड़ता नहीं, ये अंदर समा जाता है। फिर भी हम कोशिश करते रहे और वो खुद में समा रहा था थॉमस को। तभी आसपास हमें वो काला साया भी नजर आना शुरू हो गया। वो भी आसपास मंडरा रहा था और जैसे वो भी थॉमस को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो हमारे पास भी आता और हमें डर लगने लगा था। ये पिशाच सच में हमें पकड़ सकते थे और ये काला साया क्या था हमें नहीं पता था। थॉमस ने इशारा किया, अब तो जाओ, अगर गलती की तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तब हमें हिम्मत हुई और पहला कदम मैंने ही रख दिया और मैं इस दुनिया में आ चुका था। सेलिना भी थॉमस को छोड़ हमारी इस दुनिया में पैर रख चुकी थी और जब हम दोनों इस दुनिया में पहुंच आए वो दरवाज़ा भी बंद नहीं हुआ था। थॉमस चिल्ला रहा था और हम भी जैसे मायूस से हो गए थे। हम थॉमस को ना सिर्फ उस दुनिया में छोड़ आए थे बल्कि उसे मरता हुआ देख रहे थे। लेकिन तभी जैसे उस सफ़ेद साए ने थॉमस को छोड़ना शुरू कर दिया, थॉमस उसके अंदर से बाहर निकल रहा था और थॉमस ने उस दरवाजे को पकड़ लिया। वो सफ़ेद साया एक रूप में आ गया था। पहले तो उसने वो चांदी का रूप अपनाया, जैसे वो मकड़ियाँ जंगल में नजर आई थी, और तभी एक आकार बनाया और उसका चेहरा पहचाना जा रहा था। वो थॉमस के अंकल थे, वो थॉमस के साथ रहा करते थे, ये तो वो हैं। वो थॉमस से इतना प्यार करते हैं, वो उन्हें नुकसान थोड़ी ना पहुंचा सकते हैं। और वो काला साया भी जैसे आकार ले गया, वो थॉमस की आंटी थी। वो दोनों तो उसके अंकल आंटी थे जो इस तरह के आकार बनाकर हमें डरा रहे थे और थॉमस के चेहरे पर वो मुस्कान हमें बयां कर रही थी। ये सब उसने किया था। थॉमस वहां इशारा करके कह रहा था, मैं वहां नहीं आ सकता, जिंदगी में कभी ज़रूर मिलेंगे, अलविदा मेरे दोस्तों, अब तुम इस दुनिया में नहीं आ पाओगे। इतना कहने के बाद उसने वो दरवाज़ा बंद कर दिया और हम दोनों जानते थे इतनी देर से क्या हुआ था। थॉमस हमें अलग अलग जगह घुमाता रहा, हमें बेवकूफ बनाता रहा। वो जानता था हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अंत में वो इस घर में लेके आया, वो इस दरवाजे के सामने लेकर आया और उसके अंकल आंटी हमें कब से डराने की कोशिश कर रहे थे। वो इंसान ही थे या भूत प्रेत? उन्होंने हमें डराकर थॉमस से अलग किया और इस दुनिया में ज़रूर पहुंचा दिया। और थॉमस यहाँ नहीं आना चाहता था। उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी उसे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो दरवाज़ा बंद हो गया। हमने दोबारा उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की। मैं धक्का मार रहा था और वो दरवाज़ा खुला, लेकिन वो दरवाज़ा उस दुनिया में नहीं खुला था, बल्कि वो सामने वाले घर का दरवाज़ा था जिससे एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसके हाथ में छड़ी थी और वो छड़ी से हमें मारने लगा। वो ऊंची आवाज़ में कह रहा था, पागल बच्चे, कब से मेरे दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? कब से देख रहा हूँ ये आवाज़ें आ रही हैं, भागो यहाँ से। हमारी नज़र उस घर के अंदर पड़ी।
हम समझ गए थे ये दूसरी दुनिया का दरवाजा नहीं रहा बल्कि साधारण दरवाजा बन गया है। हम उस रात वहां से तो आ गए, हम उस दरवाजे के बारे में समझ ही नहीं पाए। और उस रात हम जब दोनों अपने अपने घर पहुंचे तो हमें बहुत पिटाई का सामना करना पड़ा। हमारे माता पिता हमसे पूछ रहे थे इस रात हम कहाँ थे, इतने घंटों के लिए हम कहाँ गए हुए थे, और हमारे पास उसका जवाब नहीं था। हम क्या बताते हम किस दुनिया में जाकर आए हैं। अगली सुबह मैं सेलिना के साथ फिर से उस गली में पहुंच गया था। उस नाले को पार करके हम उस दरवाजे तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन जब हम उस दरवाजे तक पहुंचे तो वहां दरवाजा ही नहीं था। दरवाजा टूट चुका था, जैसे कोई तोड़कर उसे ले गया। ये क्या हुआ, अगर वो दरवाजा वहां पर है ही नहीं तो हम उसे कभी पार ही नहीं कर पाएंगे। वो छोटे से छेद जिनमें छड़ियां डाली जा सकती हैं वो जरूर वहां थे, और हम भागते हुए बाहर आए उस दुकान को ढूंढने के लिए जहां से हमने छड़ियां ली थी। वो दुकान वहां पर नहीं थी, वो आदमी भी वहां पर नहीं था, तो हम किससे छड़ियां खरीदते। हमें बताने वाला भी कोई नहीं था, और हम कभी ढूंढ ही नहीं पाए कि दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता कौन सा है। हमें थॉमस की ज्यादा बातों पर यकीन था ही नहीं, उसने ज्यादातर झूठ ही बताया, लेकिन जब भी उसकी आंखें फड़फड़ाती हम समझ जाते क्या झूठ है क्या सच। मैं याद करने लगा हर उस घटना को, लेकिन उसने ये बिल्कुल सच बताया था कि दूसरी दुनिया हमारे इसी दुनिया में है, और ये तो छोटा भाग है उस बड़ी दुनिया का। धरती पर ही बहुत बड़ा इलाका है, हजारों लाखों किलोमीटर का, लेकिन हम तो धरती को इस आयाम में ढूंढते हैं, वो आयाम ज्यादा बड़ा है। छोटी जगह में बड़ी जगह समाई हुई है, उसने ये सब बताया था, और हम कभी ढूंढ ही नहीं पाए वो रास्ता। 1 साल हो चुका है इस घटना को हुए, और हम इसके बारे में पता ही नहीं लगा पाए, और थॉमस को भी हमने भूलना शुरू कर दिया है। कभी कभी कमरे के अंदर हमें कार्ड मिलते हैं, हमें जन्मदिन की बधाई मिलती है, कोई जैसे कमरे के अंदर आकर जाता है। बाहर से ताला लगा हुआ होता है, मैं और सेलिना जानते हैं कौन आकर जाता है और कैसे आकर जाता है। वो इसी दरवाजे से आता होगा जिसे आज भी हम घूरते रहते हैं। हमारा दोस्त उस दरवाजे को खोलकर कभी हमारे सामने होगा, आज तक वो हमारे सामने नहीं आया। कभी कभी उन गलियों में ऐसा महसूस होता है किसी कोने से वो हमें देख रहा है, और जब हम भागकर वहां पर पहुंचते हैं कोई नहीं होता, बंद गली में कौन हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं वो रास्ते जानता है कहां से यहां आया जा सकता है। आज तक हम इंटरनेट पर भी उस दुनिया के बारे में कुछ जान नहीं पाए, लेकिन आज का वो दिन है जब हमने उस आदमी को ढूंढ निकाला है। लंदन के एक छोटे से हिस्से में वो गुलाब के फूल बेच रहा है, वो ही बूढ़ा आदमी जिसने पीछे छोटी सी छड़ियां रखी हुई हैं। हम जानते हैं यहां से भी कोई दरवाजा मौजूद होगा उस दुनिया में जाने का, और हम सच्चाई जरूर जान पाएंगे। दोस्तों, क्या आप एक नए सफर पर जाना पसंद करोगे जो दूसरी दुनिया को हमारे सामने ला देगा? और आर्थर और सेलिना जाना चाहते हैं थॉमस के पास, तो उस दुनिया की सच्चाई क्या है, कैसी दुनिया रहती है, क्या आप जानना चाहोगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। और आज की इस कहानी में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए डरते रहें।